नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के परासिया थाना क्षेत्र में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर पुलिस का कहना है कि अब द्वारा अपने परिचित युवकों को बुलाकर बिल्डिंग में ही काम करने वाले कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की गई है, जिस पर से प्रकरण दर्ज कर जाँच पड़ताल की जा रही है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र स्थित बिल्डिंग में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा द्वारा बताया गया कि कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब था और वो पार्किंग में टहल रहा था कि तभी वहां पर एक युवती पहुंची, उसे टहलने से मना कर दिया, जिसको लेकर युवक ने भी आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद युवती द्वारा कुछ युवकों को बिल्डिंग में बुलवाकर कर्मचारियों के साथ मारपीट करवाने के आरोप हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जाँच पड़ताल कर रही है और प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। ये परसों शिखर सेंट्रल मॉल जो है वहां पर एक युवक के साथ में मारपीट हुई थी, उसके संबंध में थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कायम कराया था। उसी के संबंध में आज मुझे सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि उसका वीडियो एक वायरल हो रहा है, जिसमें उसके साथ में मारपीट हुई है। प्रकरण पंजीबद्ध है, विवेचना की जा रही है, वहां के फुटेज भी कलेक्शन करवाया है। क्या कारण था सर, क्यों मारपीट हुई है? ये जो जो व्यक्ति वहीं पे शिखर सेंट्रल में काम करता है, जो फरियादी है विशाल नाम है इसका, ये वहां से इसको कोई माइग्रेन की समस्या है, तो जो कॉमन स्पेस है वहां पे वो टहल रहा था। वहीं पर एक अन्य युवती भी वहीं पे थी, तो शायद उसको कुछ कंफ्यूजन हुआ, तो उसने उसको टोका कि यहाँ मत घूमो तुम। उसने कहा कि मेरे को माइग्रेन की समस्या है और मुझे खाना खाने के बाद में टहलना पड़ता है। ये बोल के वो टहलने लगा, तो उसने अपने किसी परिचित युवक को बुलाई और फिर उसने मारपीट किया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।